लेट्स रीड योर चैप्टर द सर्मन एट बनारस वन बाय वर्ड बाय वर्ड. इन दिस चैप्टर यू विल कम टू नो डिफरेंट न्यू वर्ड्स लाइक सेक्रेड. तो इस चैप्टर के अंदर आपको कई नए वर्ड्स पता चलेंगे, जैसे सेक्रेड होता है होली, पवित्र होता है, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक्स, धार्मिक ग्रंथ, प्रिंसेस, प्रिंसेस है वो राजकुमारी होता है, फनरल प्रोसेशन का मतलब होता है दाह संस्कार के लिए जो व्यक्ति को लेके जा रहे होते हैं दफनाने के लिए, इनलाइटनमेंट होता है स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम ज्ञान बोल सकते हैं, वंडर्ड का मतलब होता है टू मूव हेयर एंड देयर एमलेसली, इधर उधर घूमना. तो ये जो नए वर्ड्स आएंगे आपको इनको आपने लर्न करना है अच्छी तरह से. अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है समझ, और सर्मन का मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचिंग्स, प्रवचन जिसको बोल देते हो, विजडम है वो होता है ज्ञान होता है. इसके अतिरिक्त आपको जो नए वर्ड्स पता चलेंगे, मोर्टल्स का मतलब द पर्सन हु इज सब्जेक्टेड टू डेथ, यानी कि जो जन्म, कोई भी जीव जो जिसकी मृत्यु हो सकती है, जिसकी जन्म और मृत्यु होती है उसको मोर्टल्स बोलते हैं. पोर्टर का मतलब जो घड़े वगैरह बनाता है, कुम्हार बोल देते हो. स्लॉटर होता है बुचड़ खाना. तो ये नए वर्ड्स हैं वो आपको पता चलेंगे. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर द सर्मन एट बनारस. गौतम बुद्ध 563 बीसी 483 बीसी बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. गौतम बुद्धा जिसका जन्म 553 बीसी के अंदर हुआ था और मृत्यु है वो 453 के अंदर हुई, उन्होंने अपना जीवन एक प्रिंस के तौर पर, एक राजकुमार के तौर पर किया जिसका बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ गौतम था, इन नॉर्दर्न इंडिया, और वो उत्तर भारत के रहने वाले थे. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग. 12 साल की उम्र के अंदर उनको स्कूलिंग करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दिया गया इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स, एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी ए प्रिंसेस. और स्कूलिंग करने के लिए उन्होंने कई हिंदुओं की धार्मिक किताबें पढ़ी, और 4 साल के बाद जब वो वापिस आए तो उन्होंने एक राजकुमारी के साथ वो शादी की. दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनका एक बच्चा भी हुआ और 10 साल तक उन्होंने पूरा शाही जीवन व्यतीत किया. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस देयर फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. जब उनकी उम्र 25 साल की हो गई तो जो राजकुमार था वो संसार के अंदर जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उससे बड़े ही तंग आ गए वो. वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन. और एक बार वो हंटिंग के लिए, हंटिंग होता है शिकार करना, शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने क्या है कि एक एज्ड पर्सन को देखा, एक ज्यादा आयु वाले व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एंड देन ए फनरल प्रोसेशन, और फिर एक व्यक्ति का जनाजा जा रहा था, उसको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था वो व्यक्ति, उसको उन्होंने देखा. एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर एलम्स. और उसके बाद में उसने एक सन्यासी को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था. दीज साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट. और इन साइट्स को देख करके, इन सीन्स को देख करके, इन दृश्यों को देख करके वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वो संसार के अंदर निकल पड़ा इनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए. इनलाइटनमेंट होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो चल पड़ा. कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस, और वो उन दुखों का कारण पता करना चाहता था जो उसने दुख है वो देखे थे. ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक वो इधर उधर घूमता रहा. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और बाद में अंत में वो एक प्रकार से जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे बैठ जाता है. वेयर ही वोड, वोड होता है कसम खाना, जहां पर उसने कसम खाई टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट केम, और वो वहीं पर रुका रहेगा जब तक कि उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती. उसने पीपल के पेड़ के नीचे ही वो बैठ जाता है. इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 डेज, ओके, इनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति के 7 दिनों के बाद ही रीनेम्ड द ट्री द बुद्धि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, और उसने उस पेड़ का नाम है वो
ट्री ऑफ विजडम रखा, यानी कि बोधि ट्री रखा, एंड बिगेन टू टीच, और उसने संसार को शिक्षाएं देनी शुरू कर दी, टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उसको महसूस हुआ था, जो उसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसको वो संसार के लोगों के साथ शेयर करने लगा, बांटने लगा। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धि, बुद्धा। उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम को बुद्धा कहा जाने लगा, द अवेकन्ड और द इनलाइटन्ड, यानी कि जिसके पास ज्ञान है या जो है वो जागरूक हो चुका है। बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपनी पहला जो सर्मन, पहला उपदेश, पहला प्रवचन, वो सर्मन बनारस के अंदर दिया, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे पर एक बड़ा ही पवित्र स्थान है। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड, और उस सर्मन को अब तक संभाल करके रखा हुआ है, एंड इज गिवन हेयर, और उसी सर्मन को यहां पर बताया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम, ये जो सर्मन है, ये जो प्रवचन है, ये बुद्धा की जो बुद्धि है उसको दर्शाता है, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कि हम किस प्रकार से जो सफरिंग होती है, ठीक है, उससे हम बच सकते हैं, ये उसने बताया है। तो अब वो सर्मन क्या है उसको हम पढ़ेंगे, बुद्धा ने जो उपदेश दिया, और उसके बाद में किस्सा गौतमी की जो स्टोरी है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। द बुद्धा सैड, बुद्धा ने अपने प्रवचन में कहा था, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, कि जो जीव होते हैं, मोर्टल्स का मतलब जिनका जन्म होता है और जिनकी मृत्यु होती है, वो जीव जिनका जन्म होता है और जिनकी मृत्यु होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है, और उस जीवन के अंदर उन्हें बड़ी ही समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ती है, पेन का मतलब होता है पीड़ा झेलनी पड़ती है उनको। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर चल करके कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म हो चुका है वो मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बूढ़ा होने के बाद, अल्प बूढ़ी आयु के बाद हमारी डेथ भी होती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और जो जीव होते हैं उनका यही नेचर होती है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसा कि जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा ही गिरने का उन्हें डर है, वो लगा रहता है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और इस कारण से जिन जीवों का जन्म हो जाता है उन्हें हमेशा ही मरने का खतरा है, वो रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर होता है कुम्हार, अर्थन वेसल का मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वेसल बर्तन होते हैं, अर्थ मिट्टी से होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिन्हें कुम्हार बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो कभी ना कभी तो टूट ही जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, और ऐसा ही जीवन जो जीव होते हैं जिनका जन्म हो चुका होता है वैसे ही उनका जीवन होता है, उनकी मृत्यु भी कभी ना कभी होती ही है। बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे कोई युवा हो चाहे कोई अडल्ट हो, वयस्क हो, बोथ दोज हु आर फूल एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, चाहे कोई समझदार हो चाहे कोई मूर्ख हो, मृत्यु तो सभी की होनी ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी की मृत्यु है वो होनी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लेकिन जो लोग अपनी मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं वो जीवन से ऊपर हो जाते हैं, ओके, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे की मृत्यु को नहीं रोक सकता, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, और ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को टाल सकते हैं। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लमेंटिंग डीपली, जब किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त वो बड़ा ही शोक प्रकट कर रहे होते हैं अपने रिश्तेदार की मृत्यु के ऊपर, दुख प्रकट कर रहे होते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, लेकिन जो जीव होते हैं उनको वहां से उठा लिया जाता है, मृत्यु उनको उठा लेती है, लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर, जिस प्रकार से एक बैल है उसको बुचड़खाने में काटने के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही मृत्यु
कोई भी युवा है, कोई भी वयस्क है, उसको उठा सकती है. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. इस प्रकार से ये संसार मृत्यु से और नाश से भरा हुआ है. देयरफोर द वाइज डोंट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए जो व्यक्ति वाइज होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो ज्यादा दुख प्रकट नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि ये तो संसार का नियम है. टर्म्स का मतलब होता है नियम है, कायदा है ये तो. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ना तो हमें मरने से और ना ही हमें दुख प्रकट करने से मन की शांति प्राप्त हो सकती है. ऑन दी कंट्रेरी दिस पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. इसके विपरीत हमारी जो पीड़ा है वो बढ़ जाएगी और हमारा शरीर है वो सफर करेगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. फिर भी जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके व्यक्ति होते हैं वो उसके दुख प्रकट करने से वापस नहीं आएंगे. ही वो सीक्स पीस शुड ड्रो आउट द एरो ऑफ द लेमेंटेशन. जो व्यक्ति शांति चाहता है उसको अपना जो तीर रूपी दुख है वो अपने शरीर से निकाल करके फेंकना होगा. एंड कंप्लेन, उसको कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी होगी. एंड ग्रीफ, उसको कोई भी दुख नहीं शो करना होगा. ही हु हैज ड्रोन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. और जिस व्यक्ति ने दुख रूपी तीर को अपने शरीर से निकाल करके फेंक दिया है, वही व्यक्ति है वो जीवन के अंदर है, वो जी सकता है. ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री. वो अपने आप को आजाद कर सकता है दुखों से, फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड. और भगवान भी उसी को ही आशीर्वाद देता है. तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, आई हैव टोल्ड यू अबाउट गौतम बुद्धाज लाइफ एंड द कंक्लूजन. ओके, द कंक्लूजन दैट ही ड्र्यू फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट. और जो उसने निष्कर्ष निकाला, ठीक है, जो उसकी शिक्षाएं थी वो मैंने आपको ब्रीफ में बताई है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी. तो अगली वीडियोस जो आएंगी उसके अंदर मैं आपको किस्सा गौतमी की स्टोरी है वो समझाऊंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे.